आई एम राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? जैसे कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई, आगे से रही जाना, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी करे हैं। तो दोस्तों, आज फिर एक मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ, और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर रजा। तनवीर रजा जी, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 10 डेज। 10 डेज हो गए हैं, ओके। कौन से एरिया में आप कार चला रहे हैं? विकास नगर में कार चला रहे हैं। तनवीर जी हैं मेरे साथ, और इनको लगभग 9-10 डेज हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी है और चला रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये घबराहट है, ट्रैफिक में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। अभी आपको क्लच दबा के फर्स्ट गियर करना है, यहाँ पे एकदम स्लो करना है, क्लच दबा के फर्स्ट गियर। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। आगे से लेफ्ट लेना है। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्राउड है, काफ़ी ट्रैफिक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। लेफ्ट टर्न करना धीरे धीरे, हाँ, आराम से, हाँ, जाने दीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी आपको पूछना है, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, किसी ड्राइविंग से रिलेटेड या मैकेनिकल वर्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, अभी आपको सेकंड गियर करना है, सेकंड गियर, गुड, जाने दो, कंफ्यूज मत होइए, आराम से चलाइए, एकदम कूल होके, जल्दबाजी कोई नहीं है। ये हम लोग विकास नगर एरिया में चल रहे हैं, और काफ़ी रश भी है इस टाइम, क्योंकि ट्रैफिक है रोड पे, सिंगल रोड है। एक शॉर्ट वीडियो मेरे मोबाइल से बना लीजिए। ज़रूर, अभी इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपके फ़ोन पे एक वीडियो बना दूँगा। तो अभी सामने स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी स्लो करनी है आपको। हाँ, राइट रखो, राइट हल्का सा, हमेशा इस लेफ़्ट वाले एंटीने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सीधा जाना है हम लोग को। हाँ, यहाँ पे चौराहा है, थोड़ा सा हॉर्न दीजिए, हाँ, एकदम सीधा, ताकि दाएं बाएं से आने वाले लोग, जो भी लोग हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। समझ लीजिए कि जिम्मेदारी पूरी आपकी, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। जाने दीजिए, अभी कौन से गियर में चल रहे हैं आप? अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक प्रैक्टिस कराऊंगा, बम्फर टू बम्फर, जो गाड़ी रोकना बढ़ाना करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। गाड़ी अपनी एकदम लेफ्ट ही रखिएगा, जो वाइट वाली लाइन है ये, बस इसी लाइन के ऊपर आप रखिएगा, बस जाने दीजिए। राइट काटो, राइट बैक कर रहा है वो, आराम से, हाँ, धीरे धीरे जाने दीजिए, जाने दो, धीरे धीरे, वेरी गुड। अब यहाँ पे स्टॉप करना है आपको, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, झटका ना लगे, गुड। अभी गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड। तो गाड़ी रोकी किसी भी गियर में जा सकती है, वापस उसको मूव करने के लिए कौन सा गियर चाहिए? न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सामने वाले रोड पे कम से कम 100 मीटर तक गाड़ी रोकनी है और बढ़ानी है, चलानी नहीं है, मतलब जैसे जाम में, ट्रैफिक में, तो इसको फर्स्ट गियर में करिए आप। हाँ, अब आपको क्या करना है, पहले ब्रेक को रिलीज करना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, हाफ क्लच पे, गुड। जैसे झटके से छोड़ रहे थे आप, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम धीरे, पूरा क्लच नहीं रिलीज, वापस क्लच दबा के ब्रेक लो, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक। आपका पंजा थोड़ा ऊपर ज़्यादा चढ़ा हुआ है क्लच पे, देख रहे हैं? अच्छा। तो थोड़ा, हाँ, ये पोर्शन रहना चाहिए। और अभी आपको क्या करना है, पूरा क्लच नहीं, सिर्फ 20-30% छोड़ना है, गाड़ी में जर्किंग नहीं आनी चाहिए, झटका नहीं आना चाहिए, जाने दो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, हाँ, आराम आराम से, वेरी गुड। वापस क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक, जरा सा भी जर्किंग ना हो, झटका ना लगे, वापस फिर ब्रेक छोड़ो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, पूरा क्लच नहीं, गाड़ी जो ये वाइब्रेट कर रही, वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए, वापस फिर स्टॉप करो, हाँ। और हमको ये भी देखना है कि ये गाड़ी हमारी जो है, ये लेफ्ट वाला टायर वाइट लाइन पे रहना चाहिए, लाइन से लेफ्ट अंदर चला गया है, देख रहे हैं आप, इस लाइन पे रखना ही है, हल्का राइट दबाओ, हाँ, बस वापस फिर स्टॉप करो, लेफ्ट आओ, लाइन पे चलना चाहिए, हाँ, ठीक है। अभी आप देखो, एंटीने से मैच करोगे तो एंटीना एकदम लाइन के ऊपर है, ठीक है, वापस फिर बढ़ाओ, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, अगर बगैर एक्सेलेटर गाड़ी हम बढ़ा रहे तो अगर ब्रेक दबाओगे गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी, फिर वापस स्टॉप करो, वेरी गुड, फिर बढ़ाओ, और साइड मिरर में भी नज़र रखना है, रुकने से पहले हमारी नज़र साइड मिरर में रहनी चाहिए, ताकि हमको ये पता हो कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, जाने दो धीरे धीरे, पूरा क्लच दबा के फिर धीरे से ब्रेक, वेरी गुड। अभी आपको क्या करना है, यही गाड़ी इसी रोड पे बैक में ले जाना है, बस आपको ये ध्यान देना है, देखो शीशे में दिख रही है वाइट लाइन नज़र आ रही है आपको, आ रही ना, तो बस ये इसी लाइन पे गाड़ी चलनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए, रिवर्स में, अब इसको बैक गियर डालना है आपको, न्यूट्रल करिए, हाँ,
राइट जाइए, पूरा पूरा पीछे करिए गियर, वेरी गुड। अब आपको देखना कहाँ है, राइट वाले साइड मिरर में, लेफ्ट वाले साइड मिरर और लुकिंग ग्लास में, ठीक है। आगे से आपको कोई लेना देना नहीं, पूरा क्लच नहीं छोड़ेंगे आप, हाफ क्लच और ब्रेक पे पैर रहेगा। जाने दीजिए धीरे धीरे, बड़ा ही धीरे धीरे, थोड़ा अंकल इधर हो जाइए, हल्का सा, हाँ हल्का सा, हाँ धीरे धीरे, एकदम स्लो 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 मोशन में, और स्लो, हाँ हल्का राइट रखो, स्टीयरिंग राइट, थोड़ा सा राइट, राइट बोला मैंने, राइट, बस लेफ्ट था हल्का, हाँ बस सीधा सीधा राइट रखो हल्का, राइट थोड़ा राइट था, वापस स्टॉप करो, पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, बस जाने दो। अब पहले आप फ़ोन अटेंड कर लीजिए, ये तो डिस्टर्ब होगा, या तो साइलेंट कर दीजिए या तो अटेंड कर लीजिए, गाड़ी न्यूट्रल कर दीजिए, गियर को न्यूट्रल कर दीजिए, हाँ क्लच ब्रेक छोड़ सकते हैं आप। जितना देर गाड़ी अड़े सीधे करो, साइलेंट, फोन को साइलेंट कर दिया करिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, ड्राइविंग पे बहुत फर्क, 90% जो एक्सीडेंट होते हैं वो फोन की वजह से होते हैं। जब भी आप बैठा करिए हाफ एन आवर के लिए, आप साइलेंट कर दिया करिए, बस कर दिया, कोई नहीं, चलिए अब बढ़ा लीजिए, अब सीधा जाना है आपको, हाँ वापस क्लच दबा के गियर डालिए, जाने दो धीरे धीरे, बाइक में ही लेना है, नहीं सीधा जाना है एकदम धीरे धीरे, वेरी गुड। अब आपको स्ट्रेट जाना है, सीधा खुरम नगर होते हुए चौराहा क्रॉस करते हुए सेंटर पे जाना है। अब हम लोग को सीधा जाना है एकदम, हल्का आगे देखेंगे, थोड़ा सा राइट में डाइवर्जन है, फिर सीधा हम लोग खुरम नगर वाले रोड पे निकलेंगे। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, जाने दीजिए, हल्का लेफ्ट आइए, बस हाँ जाने दो। अब राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को, नीचे को, वेरी गुड, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, हॉर्न मारिए। अब जहाँ से स्कूटी गई वहीं से राइट काटो धीरे धीरे, आराम से क्लच और ब्रेक पे पैर रख के, एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं होती टर्निंग पे, राइट काटिए, हाँ फुर्ती से लेफ्ट आना है, हल्का लेफ्ट आओ, रोक लो पूरा क्लच और ब्रेक, पहले गियर में करिए, बस पहले में ही ऑलरेडी, जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट काटना है लेफ्ट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, सामने नाला है, बस सीधी कर लो आराम से ध्यान से, थोड़ा स्टीयरिंग का ध्यान रखना, जब आप स्टीयरिंग काटते हैं ना तो स्टीयरिंग पे अपना माइंड रखिए कि कितने राउंड काटे और कितने सीधे कर रहे हैं, राइट रखो, थोड़ा सा बचा था बुलेट वाला, नहीं तो भी काम हो जाता उसका, क्योंकि वो रॉन्ग साइड आ रहा था, उसकी साइड लेफ्ट ही, वो राइट दबा के पूरा आ रहा था, अगले चौराहे से हम लोग को लेफ्ट जाना है, धीरे धीरे बढ़ाइए, गुड, स्पीड बढ़ाइए, हॉर्न मारिए, लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, ये सब नैरो गली, अगर इसमें दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा राइट दबा के लेफ्ट काटिएगा, क्योंकि ये बिजी रोड है, सामने से ट्रैफिक काफ़ी तेज़ी से आता है, हाफ क्लच लेके तब काटिएगा, थोड़ा राइट दबा के, राइट रखो गाड़ी अपनी, लेफ्ट चलना है हम लोग को, काटो लेफ्ट फटाफट, काटो जल्दी 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 जल्दी, अब देखो फंस के खड़े हो गए, जाइए काटिए आप, हाँ जा काटिए काटिए, और काटिए और काटिए, बढ़ाइए, हाँ हाँ तो जाओ छोड़ो क्लच ब्रेक छोड़ो, हाँ जाने दो धीरे 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 धीरे, जाने दो, जाओ 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 जाओ, जाने दो सीधी कर लो, बस राइट रखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें 100 डिग्री से स्टीयरिंग काटनी पड़ती है, अब वो बहुत पहले काट रहा था स्टीयरिंग, उसको थोड़ा आगे जाके काटना चाहिए था, स्पीड बढ़ा लीजिए, हाँ जाने दीजिए, वेरी गुड, चलते रहिए, ध्यान रखिएगा सिंगल रोड है, हॉर्न मारिए, गुड, वेरी गुड, चलते रहिए धीरे धीरे आराम से, हाँ बढ़ाते रहिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्लच दबा के सेकंड गियर डालिए, क्योंकि गाड़ी सेकंड गियर मार रही है, गियर चेंज करिए, वेरी गुड। ये सब सिंगल रोडों पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होता है हमें, साइड मिरर में हमेशा आपकी नज़र जाएगी, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि अगल बगल से कौन निकल रहा है। राइट रखो हल्का सा, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, जहाँ लगे आपको कि यहाँ पे थोड़ा गाड़ी कंट्रोल में रखना है, थोड़ा सा क्लच थोड़ा सा ब्रेक लेके गाड़ी को डाउन कर लेना है, वेरी गुड, चलने दीजिए, हल्का राइट रखो, जाने दो, गुड,
आगे खुरम नगर चौराहा है, चौराहे को थोड़ा सा ध्यान से निकालना है कि चारों तरफ से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और फर्स्ट गियर में गाड़ी निकालनी है वहाँ पे। ऐसे सब जगह फर्स्ट गियर आ जाए। हाँ, और हमेशा स्टीयरिंग मत घुमाया करिए, जाने दीजिए। वेरी गुड, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। रेड लाइट हो रखी है, रेड लाइट पे गाड़ी आपको रोकनी है। रोकने के लिए वहाँ पहुँच के पूरा क्लच दबाएंगे, धीरे से ब्रेक मारेंगे, जाने दीजिए और लेफ्ट आइए। हाँ, चलते रहो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। उसी सामने डस्टन खड़ी, उसके पीछे रोकना। जाओ, स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ थोड़ा सा। जाने दो, क्लच छोड़ो और जाओ और जाओ और जाओ और पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मारो बस। अब इसको पहले गियर में करो। अब यहाँ पे ढलान है, पहला गियर डालो, पहले ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले थोड़ा सा आपको क्लच छोड़ना है। अगर पहले ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी चली जाएगी पीछे, पिछली गाड़ी में लड़ जाएगी। तो पहले थोड़ा सा क्लच छोड़ना, फिर उसके बाद आपको ब्रेक से पैर हटाना जब गाड़ी वाइब्रेट करने लगे तब। दोस्तों, ये खुरम नगर चौराहा है और काफ़ी क्राउड यहाँ पे रहता है, चारों तरफ से ट्रैफिक रहता है, क्योंकि इस टाइम टाइम भी 5:30 लगभग हो रहा है, तो इस टाइम काफ़ी रश रहता है। तो अगर पहले आप ब्रेक छोड़ देंगे तो गाड़ी पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, उसने हाथ दे दिया, जाओ रेस करो, हल्का एक्सीलेटर लो, हल्का एक्सीलेटर, धीरे 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 धीरे, हाथ जाने दो, धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, लेफ्ट आओ हल्का, लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हल्का लेफ्ट। अब देखो फंसा दिया, रोक लो पूरा क्लच लो, ब्रेक मार लो, भाई साहब ने फंसा के खड़ा कर दिया। जाओ धीरे धीरे खिसकाओ, धीरे धीरे राइट रखो हल्का, हाँ जाओ राइट रखो, राइट स्टीयरिंग राइट रखो, हाँ धीरे धीरे खिसकाना है एकदम धीरे धीरे। हाँ, सिग्नल दीजिए राइट का, आप देखो वो घुस गया आई टेन वाला, धीरे 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 धीरे, हाँ बढ़ाते रहो धीरे धीरे, हाँ जाओ 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 खिसकाते रहो धीरे धीरे, जाओ राइट राइट काटो अपनी हल्का हल्का गाड़ी, हाँ जाओ धीरे धीरे, जाने दो खिसकाते रहो, हाफ क्लच पे, हाफ क्लच पे, हाँ जाओ रोको पूरा क्लच, जाओ बढ़ाओ फटाफट हल्का, धीरे धीरे खिसकाओ 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 खिसकाओ, राइट रखो राइट 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 राइट, हाँ जाने दो जाने दो, रोको पूरा क्लच और ब्रेक, फिर बढ़ाओ धीरे से, जाओ हल्का, जाओ ब्रेक छोड़ो, ब्रेक 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 ब्रेक, हाँ बस रोक लो इसको, निकलने दो इनोवा वाले को, यहाँ पे निकाल लो, लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट लेफ्ट आओ फटाफट लेफ्ट, और अब राइट काटो सीधा जाके, इनोवा जहाँ से निकल रही है थोड़ा दूर से जाके राइट काटना है, सिग्नल दीजिए राइट का, हाँ जाने राइट काटो राइट, धीरे धीरे काटो काटो काटो, कहाँ जा रहे हो भाई, सीधी करो सीधी फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, ऐसे तो ट्रक मोड़ी जाती है जैसे आपने मोड़ी गाड़ी, समझ रहे हैं। आगे से लेफ्ट चलना, सिग्नल दीजिए, देख रहे हैं कैसे ट्रैफिक है, रेड थी लेकिन उसने कह दिया जाओ, अब देख रहे हो वहाँ पे सब फंस के खड़े हो गए। हाफ क्लच हाफ ब्रेक रखना है, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ और लेफ्ट, बस सीधी करो धीरे 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 धीरे, वेरी गुड, जाने दो, बहुत बढ़िया। अब जान में जान आई है खुरम नगर चौराहा क्रॉस करके, राइट रखो इस चौराहे को, जिसने क्रॉस कर लिया समझ लो गंगा नहा के आ गया, राइट रखो, लेफ्ट आइए, राइट रखो हल्का, हॉर्न मारिए, ब्रेक पे पैर रखे रहिएगा, यहाँ ज़्यादा राइट ना मत लेके जाइए, जाओ बढ़ाओ हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ गुड, जाने दीजिए स्पीड बढ़ाइए, हाँ आराम से क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर आराम से, हाँ गुड। जिस टाइम गियर चेंज करते हो आपका राइट वाला हाथ 12 o'clock पे होना चाहिए, बीच में रेड वाला जो लगा हुआ है वहाँ पे होना चाहिए, और ध्यान से आराम से। दोस्तों, जैसे कि देखा आज तनवीर रजा जी ने गाड़ी चलाई है, काफ़ी अच्छा चलाया, बट थोड़ा सा अभी नर्वस हो जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।